हेलो स्टूडेंट्स ओ आर वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू इट्स अमिता मैम हियर विद यर टूडेज लेक्चर सो स्टूडेंट्स बेटा लास्ट के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट टू कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे विद इट्स टाइप्स एंड सब टाइप्स जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा वो भी कंपोनेंट्स पे रहेगा इसमें हम थर्ड कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे दैट इज़ एंड्रेंस अगर हम एंडस की बात करें तो बेसिकली एंडस क्या होता है जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस टाइम पे हमारी बॉडी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग आती है दैट मींस कि हम थक रहे हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी बट थकने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख रहे हैं या फिर अपनी एक्टिविटी को सस्टेन कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज योर एंड अगर हम अनदर वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ये क्या होती है एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीक फटीक को रजिस्ट करने की या फिर जब हम स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं विद डिज़ायर क्वालिटीज़ एंड स्पीड के साथ तो उस टाइम हमारी बॉडी क्या होती है अंडर द कंडीशन ऑफ फटीक आती है बट हम उस कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में रख रहे हैं फटीक के बावजूद भी हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज योर एंडोरेंट्स बेसिकली एंडस कौन परफॉर्म करता है जो मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रेसर्स होते हैं या फिर जो मेजर गेम्स प्लेयर्स होते हैं लाइक फुटबॉल हॉकी प्लेयर्स बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल प्लेयर्स और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस या फिर टाइम फैक्टर रेसेस के थ्रू क्योंकि टाइम फैक्टर रेसेस क्या डिफाइन करती हैं ये एक टाइम को सेट करती हैं जिसके इन बिटवीन एक पर्सन ने क्या करना होता है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है तो ये थी आपकी एंड्रेंस बेसिकली एंड्रेंस चार तरह की होती है फर्स्ट वन इज़ योर स्पीड एंड्रेंस सेकेंड वन इज़ योर शॉर्ट टर्म एंड्रेंस थर्ड वन इज़ योर मीडियम टर्म एंड्रेंस एंड फोर्थ वन इज़ योर लॉन्ग टर्म एंड्रेंस जो स्पीड एंड्रेंस होती है फर्स्ट वन दैट इज ये कब रिक्वायर्ड होती है जी साइकिलिंग एक्टिविटीज़ में रिक्वायर्ड होती है और एक इंडिविजुअल पर्सन इसमें लास्टिंग कब होता है अप टू फोर्टी फाइव सेकेंड के बाद में फोर्टी फाइव सेकेंड तक उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा टाइट कंडीशन में नहीं आती है बट फोर्टी फाइव सेकेंड्स के बाद में वो लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल रहेगी स्प्रिंट इन ट्रैक्स वो क्या है एक बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है स्पीड एंड्रेंस फैक्टर की नाउ सेकेंड टर्म इज़ शॉर्ट टर्म एंड्रेंस जो शॉर्ट टर्म एंड्रेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं एंड्रोबिक एंड्रेंस भी बोलते हैं और बेसिकली ये भी कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है साइकिलिंग एक्टिविटीज़ में रिक्वायर्ड होती है बट इसमें क्राइटेरिया क्या होता है जो पर्सन होता है वो फोटी फाइव सेकेंड से लेके टू मिनट्स के बीच में क्या होता है उसकी जो एक्टिविटी है वो लास्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है नो no, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शॉर्ट टर्म एंड्रेंस की जो एग्जाम्पल रहेगी दैट इज़ रन और रेस रेस होगी रनिंग होगी ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म एंड्रेंस की थर्ड वन इज़ मिडल टर्म एंड्रेंस अगर हम मिडल टर्म एंड्रेंस की बात करें सॉरी मीडियम टर्म एंड्रेंस की बात करें तो ये भी साइकिलिंग एक्टिविटीज़ में ही रिक्वायर्ड होती हैं बट इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है वो दो मिनट से लेके कर इलेवन मिनट्स तक क्या होती है लास्ट होती है और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप बोल सकते हो जो मीडियम टर्म रिसर्स होते हैं वो उनकी बेस्ट एग्जैम्पल होती है नो लास्ट वन इज़ योर लॉन्ग टर्म एंडोरेंस अगर हम लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म इन्डोरेंस है वो कहाँ पर नीडिट होती है सेम साइकिलिंग एक्टिविटीज़ में और यहाँ पर क्या होता है हमारी जो बॉडी है मोर देन 11 मिनट्स के बाद में क्या करती है लास्टिंग होना स्टार्ट होती है अगर आप एग्जांपल देखो तो मैराथन रेसर्स हो गए या फिर रोड साइकिलिंग प्लेयर्स हो गए वो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है नाउ नेक्स्ट वन कंपोनेंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये हमारी बॉडी की क्या होती है एबिलिटी होती है जब हम अपनी जॉइंट्स को मूव करवाते हैं मैक्सिमम रेंज में और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एग्जीक्यूट करती है मूवमेंट्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ रेंज के साथ कॉमनली जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग एबिलिटी भी बोलते हैं इलास्टिसिटी भी बोलते हैं सप्लीमेंस मोबिलिटी भी बोलते हैं क्योंकि जो इलास्टिसिटी बेसिकली है वो क्या है कि हमने अपनी जॉइंट्स को मूव करवाना है मैक्सिमम रेंज तक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इसलिए जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल होता है वो भी वेरी करेगा फ्रॉम जॉइंट्स टू जॉइंट्स स्ट्रक्चर सराउंडिंग एंड अड लिगामेंट्स हो गए या फिर आप ये बोल सकते हो टेंडेंट्स होगी मसल्स होगी बेसिकली जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारी मसल्स जॉइंट्स या टेंडेंट्स पे ही डिपेंड करती है इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वेरी करती है इन सब स्ट्रक्चर्स में देन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं थ्रू फ्लेक्सोमीटर तो फ्लेक्सोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने में हेल्प करता है बेसिकली अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं दैट मीन्स की दो टाइप हैं फ्लेक्सिबिलिटी की फर्स्ट वन इज़ योर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ योर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस तरह की होती है जिसमें हम अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को मूव करवाते हैं या फिर आप जॉइंट्स को मूव करवा रहे हो मैक्सिमम रेंज में बट इसमें सेकेंड पर्सन दैट मीन्स कि एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हो सेकेंड पर्सन या फिर आपका पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो आसनस होते हैं जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें आप सेकेंड पर्सन की हेल्प ले सकते हो अब हम अगर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है जिसमें आप एक्सटर्नली हेल्प नहीं ले सकते हो दैट मीन्स की जो मूवमेंट होती है मैक्सिमम रेंज तक परफॉर्म होती है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पर्सन तो यहाँ पर आपकी जो बेस्ट एग्जांपल रहेगी स्ट्रेचिंग ऑफ जॉइंट जब आप अपनी जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हो तो वहाँ पर आप किसी भी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प नहीं लेते हो तो नेक्स्ट इसकी सब टाइप्स रहेंगी बेटा वो आपकी एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी की रहती है दैट मीन्स की फर्स्ट जो सब टाइप है वो है स्टेटिक फ्लेक्सीबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ योर डायनेमिक फ्लेक्सीबिलिटी स्टेटिक बाय द वर्ड ही डिफाइन होता है ऐसी चीज़ जो कहाँ पर होगी रेस्ट पे और डायनमिक मीन्स मोशन में अब जो स्टेटिक फ्लेक्सीबिलिटी होती है उसको हम स्टेशनरी पोजिशन से परफॉर्म करते हैं लाइक like, आसन हो गया या फिर आप बैंडिंग फॉरवर्ड करते हो साइड साइड बाई बैंडिंग करते हो टो को टच करते हो साइड बैंड हो गए या फॉरवर्ड बैंड हो गए इस तरह की जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं उसको हम क्या डिफाइन करते हैं एज अ स्टेटिक फ्लैक्सीबिलिटी नौ सेकेंड वन इज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप डायनेमिक फ्लेक्सीबिलिटी की बात करो तो डायनमिक फ्लेक्सिबिलिटी को हम तब परफॉर्म करते हैं जब हम किस में होते हैं मोशन में होते हैं या फिर हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं लाइक like जैसे जिम्नास्टिक प्लेयर्स हो गए वो मैक्सिमम लेवल तक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग देयर गेम्स और एक्टिविटी में तो बेटा ये थी आपकी फ्लैक्सीबिलिटी एंड इट्स टाइप्स विद इट्स सब टाइप्स नेक्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, एगिलिटी या एबिलिटी तो ये तीनों ही फैक्टर क्या होते हैं तालमेल आपका वर्क के साथ कैसा तालमेल है और अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं ये एबिलिटी होती है बॉडी की जब हम क्या करते हैं मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं विद परफेक्शन के साथ एंड एफिशिएंसी के साथ इसी के साथ अगर हमारा प्रॉपर कम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ज्यूरिंग द मूवमेंट तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन फैक्टर है वो क्या होगा अच्छा होगा क्योंकि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती हैं परफेक्शन अराइजेज हो सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी आ सकती है इसलिए हम क्या करते हैं जब भी कोऑर्डिनेशन की बात होती है तो हम अपने कंपोनेंट्स को अच्छा करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमारे अंदर की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो हमें कहाँ हेल्प करती हैं जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या फिर डिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जब हम क्या कर रहे हैं इन मोमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये क्वालिटीज़ क्या हो जाती हैं इम्प्रूवड हो जाती हैं केस अगर कोई इनकरेक्ट मूवमेंट परफॉर्म हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं खुद से ही अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जब हमें पता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है हमारी एक्यूरेसी अच्छी है तो वहाँ पर माइनर चांसेस होते हैं आपके इनकरेक्ट मूवमेंट को परफॉर्म करने के तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट वन इज़ योर पावर अगर हम पावर की बात करें तो आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा है बेसिकली पावर क्या होता है एबिलिटी टू ट्रांसफ़र एनर्जी इंटू फोर्स जब आप क्या करते हो एनर्जी को फोर्स में चेंज करते हो एट अ फास्टर रेट में उसको आप क्या डिफाइन करते हो एज अ पावर बेसिकली ये कहाँ यूज होती है डिस्कस एंड पुटिंग शॉर्ट्स एबिल एक्टिविटीज़ में जहाँ पर हमें क्या होती है पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसी के साथ हमारे कंपोनेंट्स वाला पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हुआ है जो कल का लेक्चर था और आज का लेक्चर था इन दोनों लेक्चर को मिला के आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा थैंक यू